एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अन अकेडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत की सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चलिए देखते हैं 22 जुलाई का इतिहास क्यों है इतना खास। सबसे पहली चीज कि एक्शन प्लान जो था इक्वल रेन्यूमरेशन फॉर इक्वल वर्क बाय द ILO, ये आज के दिन जो है 1999 से फोर्स में आ गया था। तो ये कन्वेंशन था, बेसिकली जो कन्वेंशन था ये 1951 का था। कन्वेंशन क्या था? इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वेजेस सेट करते वक्त इसको ध्यान देना था। और इक्वल वैल्यू जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो जो भी मेन और वुमेन है अगर वो सेम पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं तो उनका जो भी रेम्यूनरेशन था वो इक्वल होना चाहिए। हालांकि अभी भी देखा जाए तो अभी भी ये इक्वल बहुत जगह पर नहीं है और इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर सेट किया गया था और इसको आज के दिन में फोर्स में लाया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया, ओके, किसके द्वारा? ILO द्वारा। ILO जो है ना, इसको बनाया गया था 1919 में, स्थित है आपकी जिनेवा में। और हेड कौन होते हैं? हेड होते हैं गाय राइडर, ठीक है। चलो अगली बात, 29वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण 22 जुलाई 2009 का सूर्य ग्रहण था, ठीक है। तो आपको पता है सोलर इक्लिप्स, जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये जो सोलर इक्लिप्स हुआ था 29वीं सदी बेसिकली, तो ये जो है ना, हाँ ये जो है, ये सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, ये सन होता है, इधर मून होता है और ये इधर अर्थ होता है, तो इसी से ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये इस पर आके रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन होती है, ये सबसे लंबा समय हुआ था, ओके। चलो अब अगला देखिएगा, एप्पल इंडिया का पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि फंक्शन करना शुरू किया था 22 जुलाई 1981 को। एप्पल सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म होता है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये इसका पहला होता है, ये जो है एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जिसको कि लॉन्च किया गया था एरियन वन द्वारा फ्रेंच गुयाना से, ठीक है। ये आज से, हाँ ये आज से ठीक जो है कह सकते हो लगभग पीछे चले जाओ तो ठीक आज ही के दिन में ये 1981 में क्या किया गया था, फंक्शन करना शुरू किया था, ठीक है। चलो फिर देखो, बहुत ही मशहूर कलाकार और गायक मुकेश जी का जन्म आज ही के दिन 1923 को हुआ था। इनके बहुत सारे गाने हैं जो अभी भी लोग गुनगुनाया करते हैं, ठीक है। तो आज ही के दिन इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ओके। चलिए तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर आप लोग चाहते हो अनअकैडमी पे मुझसे जुड़ना तो उस पर आप लोग जाके अनअकैडमी पे जाके सुष्मिता त्रिपाठी टाइप करके मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सर्च कर लेना और फॉलो कर लेना। इसके साथ में अगर आप कोर्सेज लेना चाहते हो तो सुष्मिता 10 कोड यूज़ कर सकते हो, इससे आपको कोर्स मिल जाएगा मेरा और जिसका और चाहते हो उसका भी 10% ऑफ भी मिलता है, ओके। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, लव यू पीपल, बाय बाय।